ठीक है व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। आपको अपनी अपनी पसंद की मनपसंद की ब्रांच कॉलेज स्ट्रीम बोलो या फिर अपने अपने जो भी कोर्स होता है अपने जो भी चाहे कोई सीएसई हो या चाहे कोई आईटी या ईसी या फिर मैकेनिकल या फिर केमिकल या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर फूड टेक्नोलॉजी सबको अपने अपने हिसाब से मिल रही होगी एंड अपने अपने कॉलेज मिल रहे होगी अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। लेकिन बात आती है मैंने हाल ही में अभी अभी एक किसी का रिप्लाई किया है कि उसने जो भी रैंक बताया था उससे काफ़ी कम रैंक में लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में आईटी मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो को देख रहा होगा तो उस इस बात को रिलेट कर पा रहा होगा कि मैंने उसे बताया कि मैंने जेयू का जो भी लास्ट ईयर कटअप था वो मैंने ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बना दिया, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को चेक करना चाहिए। मैं उसे रिकमेंडेड करूँगा कि वहाँ पे जाके आप चेक करो। ऐसे कितने लोग आप लोग ऐसे गलती कर रहे हो कि रैंक कैसे काउंसलिंग कर रहे हो। अगर आपको नहीं मैंने जैसे कि बताया जैसे काउंसलिंग प्रेफरेंस डालना है वैसे प्रेफरेंस डालते, अगर वैसे प्रेफरेंस डालते तो आपको डेफिनेटली मिल जाता कॉलेज। लेकिन बात आती है आप लोगों को इतने ज़्यादा अच्छे रैंक आने पर भी जेयू में अपना अपना पसंद मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा, ऊपर से वो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं लेकिन आप लोग करना मत। अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छा रैंक आया लेकिन सही कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो यार, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को काउंसलिंग करना है। मतलब और भी अभी आने वाला है मॉप अप राउंड, हो सकता है स्पॉट राउंड भी होगा, उसके बाद डिसेंट्रलाइज काउंट। आपको आपके पास अभी भी 3 मौका है उस पर आप लोग अपना, अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको अच्छी कॉलेज जेयू आईआईएम हेरिटेज जैसे कॉलेज मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उस चीज़ को मतलब काउंसलिंग वाला, अगर आपको नहीं मालूम है कि काउंसलिंग कैसे करना है तो काउंसलिंग वाला वीडियो को फिर से देखो, प्रिफरेंस कैसे डालना है वो भी देखो यार। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आता अच्छा रैंक करना, इतने मेहनत करने के बाद काउंसलिंग के बाद आप लोग गलती करते हो कि जिसकी वजह से आप लोगों को सीट नहीं मिलती, ये गलत बात है। चलिए वो सब को साइड में रखते हैं, वो मैं शुरू से बता के आ रहा हूँ। लेकिन आज जो बात करेंगे कि आज इम्पोर्टेंट जो नोटिस आया उसके बारे में, सबसे पहले अगर नोटिस के बारे में अगर देख लो यहाँ पे आप लोग ये देख के घबराना मत कि यहाँ पे 19/8/2021 इस दरअसल 19/8/2021 नहीं, ये 29 होने वाला था, बाई मिस्टेक किसी भी तरह से इसे मिस्टेक हो गया, इसे जाने दो, ये आज का ही नोटिस है, इसके लिए कोई शक नहीं है। दल यहाँ पे क्या बताया कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राउंड 2 इज 2nd of September 2021 एंड दोज हु आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड मस्ट नोट दैट, मतलब जो भी बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इस चीज़ों को जरूर देख लें एक बार। पार्टिसिपेशन इन मॉप अप राउंड इज ऑप्शनल, मतलब आप लोग पार्टिसिपेट कर भी सकते हो और ना भी कर सकते हो, मतलब आप ये पूरा डिपेंड करता है आप लोगों, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना ही करना है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत करो। एंड दोज हु सेज सीट एक्सटेंशन फी इन राउंड 1 और राउंड 2 विल नॉट हैव टू पे अगेन इन मॉप अप राउंड इफ ए न्यू कॉलेज और कोर्स इज एलोटेड। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने जैसे भी बताया था, बहुत सारे इन इस कमेंट को बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे मेरा लास्ट वीडियो में कि इसको देख लेना, यहाँ पे ऑफिशियली बता दिया गया है कि दोज हु पे सीट एक्सपेक्टेशन फी इन राउंड 1 और राउंड 2, अगर आप लोग राउंड 1 एंड राउंड 2 में सीट एक्सपेक्टेशन फी पे कर दिया होगा तो आपको मॉप अप राउंड के लिए कोई भी फी पे करने के लिए ज़रूरत नहीं, अगर आपको नए से कॉलेज एलोटेड होता है तो। अब बात आती है बट दे हैव टू अप्लाई देयर इंस्टीट्यूट फॉर रिफंड ऑफ अदर फीस एट्सेट्रा, मतलब इस अगर आप लोग मतलब अप्लाई आप लोग जिस भी कॉलेज में आप लोगों को सिलेक्ट हुआ था उस कॉलेज में आप लोगों को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज अलॉटेड होता है तो। एंड नेक्स्ट WBG विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी इन दिस रिगार्ड एंड विल नॉट एंटरटेन एनी कम्युनिकेशन इन दिस कनेक्शन, मतलब सीधी सीधी ये बात है कि WBGE इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा या फिर इसके लिए वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रिफंड के लिए, उसके हिसाब से आपको जो भी करना है आपको करना है। WBGE के जो भी WBGE से आपको कोई भी मतलब इसका कोई गारंटी नहीं लग सकता, हो सकता है आप लोगों को प्रोसीड्यूर बता दे वो
लेकिन उसके लिए इसके लिए वो कोई भी जिम्मेदार, अगर आपको नहीं मिलता है या फिर आपको मिलता है या नहीं मिलता है, उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आपको प्रोसेस बता दिया गया है, उसके हिसाब से आप अपना काम करो। हो सकता है आपको मिल जाए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 100% मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी को ना मिले तो वो कमेंट करके बताना, मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मुझसे जो हो पाएगा मैं करके बताऊँगा आपको। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लेते हैं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।